गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज कविता चौधरी फ्रॉम सुनता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू ईवीएस इन क्लास सेकंड। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट नोइंग माय सेल्फ के क्वेश्चन आंसर जो थे वो पूरे कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको पहले तो क्वेश्चन आंसर करवाए थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जिसमें 5 क्वेश्चन आंसर थे। उसके बाद अनस्क्रैम्बल द सेंटेंस, जिसमें हमें सेंटेंस को एक राइट सेंटेंस बनाना था, और फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हमने कर लिए थे। फिर उसके बाद वाली क्लास में मैंने आपको फैक्ट्स अबाउट मी, जिसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे थे उस पर हमें टिक या क्रॉस करना था, और फिर हमें कुछ अपोजिट वर्ड्स थे हमारे बॉडी के रिलेटेड वो करवाए थे। और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के कुछ एक्टिविटीज दे रखे हैं जो हमें करनी तो नहीं है, बट नॉलेज के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। अब उसी क्वेश्चन आंसर में देखो, आपको एक क्वेश्चन आंसर दे रखा है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। अब वो क्या है पढ़ लेते हैं। हेल्थी फूड एंड गुड हाइजीन प्रोटेक्ट अवर बॉडी, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। जो हेल्दी फूड होता है यानी स्वस्थ भोजन होता है, और गुड हाइजीन यानी अच्छी सफाई होती है, वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है यानी हमारी बॉडी को बचाती है, किससे, जो रोग होते हैं उनसे बचाती है। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, हमें क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। अब वो क्या है, इसमें लिखा हुआ है देखिए, टेक वन एग एंड पुट इट इन अ कप ऑफ विनेगर यानी सिरका। आपको क्या करना है, एक एग लेना है और उसको एक विनेगर भरे हुए कप में रख देना है। विनेगर यानी सिरका होता है ना, हमारी मम्मी घर में काम में लेती है सिरका, या तो कोई सफाई में आता है, या फिर विनेगर को ऐसे कोई मलाईदार का जो अपन व्यंजन नहीं बनाते उसमें भी मिलाया जाता है, दूध को फाड़ने में भी सिरका काम आता है। लीव इट ओवरनाइट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एग लेना है, उसके बाद उसको विनेगर भरे हुए एक कप में रख देना है, और कब तक रखना है, पूरी रात। लीव इट ओवरनाइट, उसको पूरी रात वैसे ही रहने देना है। इन द मॉर्निंग द एग विल लॉस इट्स शेल। आप देखोगे मॉर्निंग में जब उठोगे कि जो एग था उसने अपनी शेल यानी उसके बाहर जो कवच होता है कैल्शियम का कवच, वो उसे लॉस कर देता है यानी खो देता है। इट प्रूव्स दैट इट इफ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ प्रॉपरली द एसिड इन योर माउथ विल डिके योर टीथ। तो इससे ये प्रूव होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम अपने दांतों की अच्छे से प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो जो हमारे मुंह का एसिड होता है वो हमारे टूथ को यानी हमारे दांतों को डिके यानी क्षतिग्रस्त यानी सड़ा देगा। यू कैन प्रोटेक्ट योर टीथ बाय ब्रशिंग देम इन द मॉर्निंग एंड नाइट। हम अपने दांतों को सुबह और शाम को यानी सुबह और रात को ब्रश करके बचा सकते हैं। यू कैन प्रोटेक्ट योर टीथ बाय ब्रशिंग देम इन द मॉर्निंग एंड द नाइट। तो एक्सपेरिमेंट ये था कि हमें सबसे पहले एग लेना था, उसे विनेगर भरे हुए कप में रखना था, और उसे रात भर वैसे ही छोड़ देना था। तो हम जब छोड़ दिया हमने, उसके बाद हमने सुबह देखा कि जो एग था उसने अपनी जो शेल थी यानी उसका जो कवच था वो लॉस कर दिया यानी उसका जो कवच था वो टूट गया। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर हम अच्छे से ब्रश नहीं करेंगे तो जैसे विनेगर ने अंडे के जो कवच था उसको तोड़ा, वैसे ही अगर हम ब्रश नहीं करें तो हमारे मुंह का जो एसिड है वो हमारे दांतों को डीके कर देगा। और अगर हमें डीके करने से बचाना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने दांतों की प्रॉपर केयर करेंगे, कब, मॉर्निंग एंड नाइट में। तो ये एक्सपेरिमेंट था। फिर था अमेजिंग फैक्ट्स, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स रखे हैं। अब वो क्या अमेजिंग फैक्ट्स है अपन पढ़ते हैं। हैप्पी बर्थडे इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली सिंग सॉन्ग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग है यानी हैप्पी बर्थडे, किसी का बर्थडे होता है तो हम जब केक कटिंग करते हैं जो सॉन्ग गाते हैं, समझ गए आप कौन सा हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, उस सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है वो पूरे दुनिया में बार बार गाया जाने वाला सॉन्ग है। इट वॉज द रिटन बाय टू अमेरिकन सिस्टर, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, दो अमेरिका की सिस्टर थी उनके द्वारा लिखा गया है, अमेरिकन बहनों के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है पैटी हिल एंड मिल्ड्रेड जे हिल, जिनका नेम है देखो यहाँ पे हाईलाइट करके वैसे ही लिखा हुआ है, पैटी हिल एंड मिल्ड्रेड जे हिल। तो इन दोनों अमेरिकन सिस्टर ने इस गाने को लिखा है। अब सेकेंड है, ह्यूमन बींग आर आइडेंटिफाई बाई फिंगरप्रिंट्स एंड नोज प्रिंट आर यूज टू आइडेंटिफाई डॉग्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने फिंगरप्रिंट्स और नोज प्रिंट्स के द्वारा, जो कुत्ते होते हैं उनके द्वारा पहचाने जाते हैं, जो डॉग्स होते हैं आपको पता है, और मिलिट्री में भी जो जर्मन शेफर्ड वगैरह डॉग होते हैं वो क्यों रखे जाते हैं, खोजबीन करने के लिए, क्योंकि उनमें जो सेंस करने की जो उनमें क्वालिटी होती है यानी सूंघने की, किसी चीज़ को पहचानने की, इसलिए जो डॉग्स होते हैं उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं यानी मनुष्य को उनके फिंगरप्रिंट से और नोज प्रिंट से पहचान लेते हैं। अब थर्ड है, यू कैन नो योर एज बाय नंबर ऑफ योर बर्थडे। तो आप जो हम होते हैं यानी आप अपनी जो एज होते हैं किससे पहचानते हो, आपके बर्थडे से, यानी कि जैसे आपका 10th बर्थडे आया या फिर 6th बर्थडे आया, 7th बर्थडे आया, तो आपको पता चल गया कि ये मेरी एज हो गई। जैसे कोई एक बच्चा है उसका आज
फर्स्ट बर्थडे यानी वो एक साल का हुआ है, सेकंड बर्थडे है यानी दो साल का हुआ है, थर्ड बर्थडे यानी थर्ड साल का हुआ है यानी तीन साल का हुआ है। तो हम अपने बर्थडे की काउंटिंग से अपनी उम्र का पता लगा सकते हैं। और फोर्थ है, वी कैन फाइंड आउट द एज ऑफ अ फिश बाय काउंटिंग द रिंग्स ऑन द स्केल। अब जो फिश होती है उसकी एज का हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसकी एज का पता हम उसके जो वो स्केल्स होती है यानी उसके जो वो बार की परत पर स्केल्स होते हैं, कुछ शल्क होते हैं, उससे हम उसका पता लगा जा सकते हैं। जैसे देखो फिश का फोटो अगर मैं बनाऊं, ये फिश होती है, ये हो गई फिश एक मान लो। अब उसके ऊपर कुछ स्केल्स होते हैं, स्केल्स क्या होता है, ये जो हम बनाते हैं ना फोटो में, जैसे अगर एक स्केल है तो इसकी एज वन है, टू है तो टू है, फिर तीन स्केल बन गई तो इसकी एज थ्री है। तो इसके जो बॉडी पर जितने स्केल होंगे बार के, जो यू वी कैन फाइंड आउट द एज ऑफ फिश बाय काउंटिंग द रिंग्स ऑन इट्स स्केल्स। इसके जो जितने स्केल्स की जो रिंग होगी यानी ये शल्कों की जितनी इसके रिंग होगी, उससे हम इस जो फिश होगी उसकी एज का पता लगा पाएंगे। अगर मैंने फोर्थ बनाई तो फोर फाइव सिक्स, तो इससे हमें उसकी एज का पता चल जाता है। तो ये हो गए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अब देखो अगला है डू इट योरसेल्फ, ये हमें खुद को करना है। क्या करना है, उसमें एक्टिविटी फर्स्ट है बॉडी पार्ट्स। अब देखे पढ़ते हैं, योर बॉडी पार्ट्स आर सिमिलर बट द शेप ऑफ ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, बट द शेप ऑफ ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। पर हमारे जो बॉडी पार्ट का जो शेप होता है हर एक इंसान से अलग होता है। सिमिलरली यू ऑल हैव फाइन लाइन्स ऑन योर फिंगर एंड थम्स। उसी प्रकार हमारे जो फाइन लाइन्स होती है किस पर, फिंगर्स पर और थम्स पर, फिंगरप्रिंट्स होते हैं। उन फाइन लाइन्स को हम देखना, आप अपने अभी देखो आपके अंगूठे पर आपकी जो फिंगर्स है उस पर कुछ फाइन लाइन्स बनी होती है जिसे हम फिंगरप्रिंट कहते हैं। जो ये फिंगरप्रिंट होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। तो देखो सिमिलरली यू हैव फाइन लाइन्स ऑन योर फिंगर्स एंड थम्स बट दे ऑलवेज डिफर, पर ये हमेशा अलग होते हैं। दे आर कॉल्ड अवर फिंगरप्रिंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया उन फाइन लाइन्स को हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। तो ये बोल रहा है दे आर कॉल्ड योर फिंगरप्रिंट्स। टेक अ स्टैम्पेट और वेट कलर एंड पुट थंब इम्प्रेशन। तो आपको देखो क्या करना है, एक स्टैम्पेड लेना है। स्टैम्पेड मतलब समझते हो, जैसा कि आपको फोटो में भी दिख रहा होगा स्टैम्पेड, इसे कहते हैं हम स्टैम्पेड। लेना है उसके अंदर वेट इंक डालने यानी गीला कलर डालना, कोई भी कलर डाल दो उसके ऊपर। जैसे इसके ऊपर हाथ रखोगे क्या, पे पहले अंगूठा इस पर रखोगे और फिर अपने फिंगरप्रिंट को छापना है। तो कैसे छापोगे, अब देखो इसमें क्या एक्टिविटी है आपको, ये यहाँ पे बनाने जैसे माय थंब प्रिंट, तो आप को इस ब्लॉक में अपना थंब प्रिंट लगाना है, उसके बाद मम्मी का लगाना है, उसके बाद पापा का, और उसके बाद सिस्टर है तो सिस्टर का, नहीं तो ब्रदर का लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, थंब प्रिंट लगाना है यानी अपने फिंगरप्रिंट्स को यहाँ पे छापना है। तो बस इतनी सी एक्टिविटी है। इससे अपन इस एक्टिविटी को करने से हमें ये पता चलेगा कि आपके पापा के, आपके, आपकी मम्मी के, आपके भाई बहन के फिंगरप्रिंट्स आपसे अलग है। उन फिंगरप्रिंट्स के आधार पर हमारे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब यही है, इस एक्टिविटी का मतलब यही है। अब देखो ये एक्टिविटी हो गई, अब आगे वाली देखेंगे। और देखो नीचे लिखा भी है, हुआ है नोटिस द डिफरेंस। जब आप अपने यहाँ पे चार लगा दोगे फिंगरप्रिंट यानी मम्मी पापा का, आपका और भाई बहन का, तो आप फिर डिफरेंस भी नोटिस करोगे। अब देखो नेक्स्ट है एक्टिविटी सेकेंड, पुट थंब प्रिंट्स एंड ट्रेस ऑन डॉटेड लाइन्स टू मेक ब्यूटिफुल पिक्चर्स। तो आपको क्या करना है कि जो आपके वो होते हैं ना थंब प्रिंट्स को, जैसे ऊपर अपन एक्टिविटी में लगा है वैसे थंब प्रिंट्स को इन फोटो पे, जैसे बग दे रखे और चिक दे रखा है उसके ऊपर लगा के फोटो बनाना है। जैसे इसकी आईज पे नहीं बनाना आपको, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। पहले तो देखो डॉटेड लाइन के ऊपर आपको लाइन्स चलानी है जिससे ये बग बन जाएगी, पेंसिल से इसको बना देना। ये देखिए डॉटेड लाइन के ऊपर ऊपर ही मैं अपनी पेंसिल को चला रही हूँ, ट्रेस कर रही हूँ यानी उसके पीछे पीछे चला रही हूँ। तो आपको भी बड़ी केयरफुली, बड़े ही सावधानी से ट्रेस करके बना रहे। तो ये देखो ये बग बन गई, उसके बाद इसके और भी जो पार्ट्स है उसके ऊपर भी मैं ट्रेस कर देती हूँ पेंसिल को। तो ये क्या बन गई, बग बन गई। अब ये जो बीच वाला पार्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ उस पर आपको अपना थंबप्रिंट लगाना है। और वैसे ही वैसे एक देखो चिक है, चिक की आँख है, देखो पहले
आंखों के ऊपर भी आपको पेंसिल को ट्रेस करना है। उसके बाद नोज है इसकी, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट नहीं लगाओगे, बस कहाँ फिंगरप्रिंट लगाओगे, जहाँ पर मैं आपको कलर करके दत्त दिखा रही हूँ, जैसे यहाँ पर लगा सकते हो, इतने इतने एरिया में आप इस पर अपने जो थंबप्रिंट से लगा सकते हो। पूरे पे लगाओगे तो पूरा फोटो है जो खराब हो जाएगा। अब इस पर भी डॉटेड लाइन है, उस पर भी आपको पेंसिल को ट्रेस करना है, जैसे देखो डॉट को मिला के मिलाकर ऐसा कोई फोटो बन जाएगा। ये इसके पैर हैं, उसके बाद फिर से इसके सेकंड पैर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऐसे करके एक चिक्का फोटो बन जाएगा, यानी चूजा। अब देखो थर्ड, समझ आ गया आपको, अब थर्ड वाले देख लेते हैं। एक्टिविटी थर्ड, पल्स बीट। अब पल्स बीट क्या होती है, पल्स का मतलब होता है नाड़ी, यानी जो हाथ में हमारी नसें होती है। जैसे देखिए ये मेरा हाथ है, यहाँ पर मेरी नस है, ये जो मेरा हाथ है यहाँ पर मेरी नस है, उसको हम पल्स बीट बोलते हैं। तो यहाँ पर नाड़ी है और ये अंदर से बीट होती है यानी धड़कती है, तो उसको हम पल्स बीट बोलते हैं। अब देखिए, चेक योर हार्ट बीट, आपको क्या करना है, अपने हृदय की धड़कन को चेक करना है। हार्ट मतलब दिल और बीट मतलब धड़कन, तो हृदय की धड़कन को आपको चेक करना है। मेक अ स्मॉल बॉल ऑफ क्ले, आपको एक चिकनी मिट्टी, क्ले का मतलब होता है चिकनी मिट्टी की, एक स्मॉल बॉल बनानी है। अगर उसकी नहीं बना सकते तो वेट डो, यानी जो आटा होता है, हमारी मम्मी जो घर में आटा गूंथती है उसको हम वेट डो बोलते हैं, वीट डो। और फिर उसके एक छोटी सी बॉल बनानी है वीट डो की, फिर या तो क्ले की बना सकते हैं या वीट डो की बना सकते हैं। स्टिक अ टूथपिक इन टू इट, उसके बाद आपको क्या करनी है, उसके अंदर एक टूथपिक डालनी है। टूथपिक का मतलब तो समझते हो, एक तो छड़ी होती है लकड़ी जैसी, उसको उसके अंदर स्टिक करना है, उसके अंदर डालना है। किसके अंदर, वेट डो या फिर क्ले के अंदर, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। होल्ड योर आर्म स्ट्रेट एंड कीप स्टिल, अब आपको अपनी जो आर्म है यानी कलाई है उसको एकदम सीधा करना है और ऐसे ही सीधा खड़े रहना है। फिर कीप द बॉल वेयर द पल्स इज, अब आपको बॉल रखनी है, कहाँ पे रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी यहाँ पे जो नाड़ी है उसके ऊपर मैं अपने बॉल को रखूंगी। वॉच केयरफुली, उसके बाद आपको क्या करना है, उस जहाँ पर मैंने बॉल को रखा है अपनी पल्स के ऊपर, आपको उसको केयरफुली देखना है। द टूथपिक वुड मूव बिकॉज द हार्ट इज पम्पिंग द ब्लड अक्रॉस अवर होल बॉडी, जो टूथपिक होगी जो हमने वीट डो के अंदर स्टिक की है वो क्या करेगी, थोड़ी मूव होने लगेगी। और मूव क्यों होगी, बिकॉज द हार्ट इज पम्पिंग, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वह पम्प होता है और जो ब्लड होता है पूरी बॉडी में रन करता है। रन अराउंड अ बिट, अब आपको क्या करना है, इतना यहाँ तक की एक्टिविटी होगी, उसके बाद आपको क्या करना है, रन अराउंड अ बिट, थोड़ा इधर उधर भागना है। एंड देन रिपीट द एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट किया था मैंने वीट डो से, वीट डो को अपने पल्स बीट पे लगाया था, उसको वापस लगाना है वीट डो को वही जगह। एंड काउंट फॉर 1 मिनट, और फिर क्या करना है, आपको 1 मिनट के लिए अपनी धड़कन को काउंट करना है। द टूथपिक, देखो यहाँ टूथपेस्ट लिखा हुआ, यहाँ पे टूथपिक आएगा, पेस्ट नहीं आएगा। विल मूव फास्टर, अब जो टूथपिक पहले हिल रही थी उससे दुगुनी रफ्तार में हिलने लगेगी। बिकॉज योर हार्ट बीट इंक्रीज इफ यू रन और एक्सरसाइज, तो इससे हमें पता चला कि जब हम इधर उधर, पहले तो देखो सिंपल सी चल रही थी, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपन को इधर उधर दौड़ना है और उसके ऊपर लगाना है, तो इससे हमें पता चलेगा कि एक्सरसाइज करने के बाद जो हमारी हार्ट बीट होती है वो थोड़ी तेज हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज को यानी इस एक्टिविटी को करने से हमें यही पता चलेगा कि हम जब दौड़ते हैं भागते हैं तो जो हमारी हृदय गति होती है यानी हमारी हार्ट बीट होती है वो पहले से दुगुनी रफ्तार में चलने लगती है। तो इस एक्टिविटी से हमें यही पता चलेगा। अब एक्टिविटी 4 है, हार्ट इज एन इंटरनल ऑर्गन, जो हार्ट होता है वो इंटरनल ऑर्गन। अब इंटरनल ऑर्गन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के ऑर्गन होते हैं। जैसे हमारे आईज है, नोज है, लिप्स है, ईयर्स है, हेयर है, शोल्डर है, लेग्स है, ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन है यानी हमारे बाहरी अंग है जो हमें दिखते हैं। बट इंटरनल ऑर्गन वे होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं यानी हमारे अंदर के अंग, जैसे क्या हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, स्टोमक, लीवर और पेनक्रियास, ये सभी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। तो जो हार्ट है वो हमारा इंटरनल ऑर्गन है, यानी दिल जो है हमारा वो एक इंटरनल ऑर्गन है। सम अदर इंटरनल ऑर्गन आर ब्रेन, किडनी, लंग्स, मसल्स, नर्व्स, फूड, ब्लड एंड बोन्स। तो अब जो ब्लड है वो भी एक इंटरनल ऑर्गन है, जो हमारी हड्डियां हैं वो भी एक इंटरनल ऑर्गन है। मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियां, लंग्स का मतलब होता है फेफड़े और किडनी का मतलब होता है किडनी, यानी उसको हिंदी में यकृत बोलते हैं, पर अगर आप नहीं समझ पाते हो तो आप किडनी ही बोलोगे। अब इसमें लिखा हुआ है ह्यूमन बॉडी हैज 206 बोन्स, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके 206 हड्डियां होती है, बोन्स का मतलब होता है हड्डियां। स्मॉल चिल्ड्रन एंड बेबीज हैव ओवर 270 बोन्स,
यानी जो स्मॉल छोटे बच्चे होते हैं और बेबीज होते हैं यानी शिशु होते हैं, उनके 270 बोन्स होती है, उनके 270 हड्डियां होती हैं। बट एज दे ग्रो अप सम बोन्स फ्यूज टूगेदर, बट जैसे ही वो बड़े होते हैं उनकी कुछ जो हड्डियां होती है वो फ्यूज हो जाती है यानी आपस में मिल जाती है, जिससे जो बॉडी होती है उसमें 206 यानी 206 बोन्स ही बचती है। फ्यूज का मतलब होता है आपस में मिल जाना, और टुगेदर मैंने आपस में, फ्यूज टुगेदर यानी आपस में मिल जाना। अब अगली है एक्टिविटी, सम पार्ट ऑफ अवर बॉडी डू नॉट हैव एनी बोन। कई बार हमारी कुछ बॉडी के पार्ट होते हैं उसके कोई बोन नहीं होती है। कैन यू नेम देम, वन इज डन फॉर यू। तो देखो एक का नाम तो इसने हमारे लिए बताया है, वन इज डन फॉर यू, तो हम लिखेंगे देखो लोअर पार्ट ऑफ ईयर लिखा हुआ है, और क्या क्या लिख सकते हैं हम, लोअर पार्ट ऑफ ईयर, और हम लिख सकते हैं जैसे स्टोमक, जो हमारा स्टोमक होता है उसमें भी बोन नहीं होती है तो स्टोमक, और नोज लिख सकते हैं, जो हमारी नोज होती है उसमें होती है बोन होती है पर साइड वाले जो पार्ट है उसमें बोन नहीं होती, तो नोज भी हम लिख सकते हैं, तो हम इसका लिख सकते हैं नोज, एनओ एसी नोज। और डी एक इसमें से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ब्लड लिख सकते हैं, या फिर ब्लड नहीं तो इसमें से देखिए लीवर लिख सकते हैं हम, लीवर। तो ऐसे बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने थे जिनमें जो है बोन्स नहीं होती। तो एक तो था लोअर पार्ट ऑफ ईयर यानी जो हमारा कान है उसका नीचे वाला भाग, इसमें हड्डियां नहीं होती है। फिर स्टोमक यानी पेट में भी हड्डी नहीं होती। नोज, जो मैंने आपको पार्ट्स बताए थे नोज के, इन पार्ट्स में भी हड्डियां नहीं होती। और लीवर यानी जैसे लीवर यानी यकृत, मैंने आपको बताया था पर आप लीवर ही बोलोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल स्किल। आपको क्या करनी है, एक मैथमेटिकल स्किल करनी है। अब क्या करोगे इसमें, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर लिख देना। अब देखो डेट ऑफ बर्थ को लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आगे मैं आपको बताती हूँ, हाउ ओल्ड आर यू, आपको आप कितने साल के हो यानी आपकी उम्र क्या है वो लिखनी है, इन मंथ्स, इन वीक्स और इन डेज। तो इन मंथ्स में यानी आपकी एज महीने में कितनी है यानी कितने महीने के हो आप। जैसे आप कोई बच्चा होता है, बॉर्न होता है, पैदा होता है, हम बोलते हैं ये एक महीने का बच्चा है, दो महीने का है, छः महीने का है और सात महीने का है। पर जब वो एक साल का हो जाता है उसके बाद हम उसके महीने नहीं गिनते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आपकी एज अगर 7 ईयर्स है तो हम लिखेंगे, देखो अगर आपकी एज 7 ईयर्स है तो मैं आपको बताती हूँ, 7 है 6 है 5 है उसके हिसाब से आप कर लेना। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ, जैसे आपकी एज अगर 7 है तो जो साल होता है यानी ईयर, एक साल में जो है 12 महीने होते हैं यानी 12 मंथ्स होते हैं। तो हम 12 × 7 करेंगे यानी 12 × 7 करेंगे तो हमें 84 मंथ्स मिलेंगे। तो आपकी जो एज होगी वो हो जाएगी 84 मंथ्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 84 मंथ्स। अगर आपकी एज 6 है तो आप 12 × 6 कर दोगे तो 84 मंथ्स लिख देंगे यहाँ पर, अगर 7 है तो। उसके बाद इन वीक्स, अब इन वीक्स में हम कैसे निकालेंगे, जो इन वीक्स में हमारी एज को कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, इन वीक्स में निकालने के लिए सबसे पहले तो एक जो वीक्स में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक महीने में यानी 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, कितने 4 वीक्स होते हैं, तो हम 4 वीक्स के हिसाब से 12 × 4 करेंगे यानी साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 × 4, 12 months × 4 weeks, तो हो गए 48 वीक्स। तो एक साल में यानी 1 ईयर में 48 वीक्स होते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वीक्स में निकालनी है हमको, तो 48 × 7 कर देंगे, क्या करेंगे हम 48 weeks × 7, तो क्या आएगा देखते हैं, 48 यहाँ पर कर देती हूँ, 48 × 7 को करने पर कितना आता है, तो 48 × 7
तो देखिए 7 एर्जा कितने होते हैं ये हम पहले देख लेते हैं। तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 8 49। 49 नहीं होगा, आप देखिए 56। तो 7 8 56 करने के बाद हम ऊपर कैरी लग जाएगी, तो 7 4 28, 28 + 5 हमारे होंगे 33। तो यहाँ पर आपके जो वीक्स होंगे वो होंगे 336 वीक्स हो जाएंगे। उसके बाद इन डेज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1 ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, इनटू हम कर देंगे आपके 7 ईयर्स। तो इससे आपको मिल जाएंगे 2555। तो 84 मंथ्स आपकी एज हो जाएगी, यानी आप 84 मंथ ओल्ड हो गए हो। वीक्स में अगर बात आएगी तो 48 वीक्स इंटू 7 करके 3336 आपकी वीक्स हो जाएंगे, और 365 डेज इंटू 7 ईयर्स करोगे तो 2555 आपके जो है इन डेज में एज हो जाएगी। आप अपने हिसाब से कर लेना जो भी आपकी एज है, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बताया है। अब योर नेक्स्ट बर्थडे विल बी ऑन, तो आपको क्या करना है, जो भी अभी आपका आने वाला जो बर्थडे आ चुका है, अगले साल कब आएगा उसके बारे में लिखना है। अगर ईयर 2021 में आ गया तो 2022 में आने वाला, तो अपन क्या लिखेंगे, ईयर तो अपन क्या हो जाएगा 2022। मंथ अगर सेकेंड मंथ में आने वाला है तो 2nd फेब, और डेट होगी अगर 10 लिख लो मान लो, तो 10 to 2022। अगर नहीं आया है इस बार आने वाला है तो 21 लिख देना, यहाँ पे क्या लिख देना, 21 लिख देना। अभी नहीं आया है तो ये आपको अपने हिसाब से करना है, ठीक है, समझ गए हो। अब देखिए आगे रीम टाइम, आपको क्या करना है, एक गाना गाना है, गाना कुछ नहीं है, बस आपके वो बर्थडे पर गाने वाला जो हम बर्थडे पर गाना गाते हैं वो लिखा हुआ है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे टू यू, बस इतना सा ही सॉन्ग है। इसको आप गाना, जैसे हमने एक्टिविटी में पढ़ा था कि दो बहनों ने ये इस सॉन्ग को लिखा था, पैटी हिल और मिड्रिड जे हिल, इन दोनों अमेरिकन सिस्टर ने इस गाने को लिखा था। अभी गेम है हेड एंड शोल्डर, नी एंड टोस, यानी कि हेड मतलब शीर, शोल्डर यानी हमारा हाथ यानी हमारा कंधा, नी यानी घुटने और टोज यानी अंगूठा। तो अब कैसे पढ़ेंगे, द ग्रुप सिंग द सॉन्ग वाइल टचिंग द बॉडी पार्ट एज दे आर नेम, तो जैसे इन बॉडी पार्ट्स के नेम आएंगे उन बॉडी पार्ट्स को आपको टच करना, जैसे मैंने आपको हेड बोला है आप हेड को टच करोगे, शोल्डर बोला तो शोल्डर को टच करोगे, नी बोला तो नी को टच करोगे, और टो बोला तो टो को टच करोगे। द ग्रुप सिंग द सॉन्ग वाइल टचिंग द बॉडी पार्ट एज दे आर नेम, हेड एंड शोल्डर नी एंड टोस, हेड एंड शोल्डर नी एंड टोस, आईज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज। तो क्या करना है, पहले हेड एंड शोल्डर टच करना है, फिर नी एंड टो को टच करना है, फिर वापस हेड को, फिर शोल्डर, फिर नी और फिर टो, फिर आई ईयर माउथ एंड नोज। तो ये करके गेम है, और उसके बाद है नी एंड टोस। तो देखो ये हो गया है हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, जिसमें हमने सबसे पहले चैप्टर रीडिंग की थी, और चैप्टर जो इसका नेम था वो क्या था, नोइंग माय सेल्फ, यानी खुद को जानना, उस जिसमें हमने दो अच्छी आदतों को सीखा था। जैसे एक हमने सीखा था कि हमें अपने दांतों की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, और सेंस ऑर्गन के बारे में हमने सीखा था कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, और क्वेश्चन आंसर होने के बाद कुछ एक्टिविटीज दे रखी थी जो कि नॉलेज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए मैंने वो आपको सारी करवा दी है। आप चाहो तो नहीं, जैसे ये वाला तो आप कर सकते हो बुक में, और थंबप्रिंट वाला भी कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ वाला मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, तो ये हमें नॉलेज के हिसाब से करनी थी इसलिए हमने की है। ये काम आपको बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है, नोटबुक में तो सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करने थे, और डिफिकल्ट वर्ड मैंने जो आपको करवाए थे वो ही करने थे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।